नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशुर। आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ पिज्जा डो। ये रेसिपी बिल्कुल नो फेल रेसिपी है। अगर आप ब्रेड बेकिंग में या पिज्जा बेकिंग में बिगनर हैं तो इस रेसिपी से आप इजीली पिज्जा बना सकते हैं। मैं इसमें यूज कर रही हूँ इंस्टेंट यीस्ट, जिसे आप डायरेक्ट मैदे में डालकर भी गूंद सकते हैं। इससे बहुत ही इजी हो जाता है पिज्जा डो तैयार करना। अगर आपके पास एक्टिव ड्राई यीस्ट हो तो आप यहाँ क्लिक करके चीजी बाइट पिज्जा जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक्टिव ड्राई यीस्ट को कैसे यूज करना है बताया था। जब भी आप ब्रेड या पिज्जा बेक करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 2 से 3 बातें जरूर ध्यान देनी है यीस्ट के बारे में। यीस्ट यूज करने से पहले आप उसे चेक करें कि वो पुरानी ना हो या एक्सपायरी डेट की ना हो, नहीं तो आपका डो राइज नहीं होगा। दूसरी बात, यीस्ट को आप शुगर के साथ डालें, सॉल्ट के साथ नहीं। शुगर इसलिए क्योंकि यीस्ट फीड्स ऑन शुगर, और सॉल्ट शुगर को किल कर देता है, जिससे आपका डो राइज नहीं होगा। और तीसरी बात, जब भी आप पिज्जा डो बनाते हैं तो उस डो को बहुत ही अच्छे से 15 से 20 मिनट तक नीडिंग जरूर करिए, ताकि उसमें ग्लूटेन डेवलप हो, जो आपके पिज्जा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए बनाते हैं हम पिज्जा डो, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिज्जा डो बनाने के लिए हमें चाहिए नमक, चीनी, ऑयल, पानी, मैदा और यीस्ट। सबसे पहले एक बोल में डालेंगे थोड़ा सा गुनगुना पानी, चीनी और इंस्टेंट यीस्ट और मिक्स कर लेंगे। साथ ही में डालेंगे मैदा, नमक और अब डो हुक लगाकर इसे लो टू मीडियम स्पीड पर करके स्टार्ट करेंगे और इसे अच्छे से गूंदेंगे। आप इस स्टेप को डेफिनेटली अपने हाथों से भी कर सकते हैं। 20 टू 25 मिनट के लिए गूंदें और मशीन में 10 से 12 मिनट के लिए। नीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, क्योंकि गूंदने से ही डो में ग्लूटेन डेवलप होगा, जो बहुत ज़रूरी है हमारे पिज्ज़ा क्रस्ट के लिए। और साथ ही इसमें ऑयल भी ऐड करते जाएंगे। अब डो को इसमें से निकाल लेंगे। ये बहुत ही स्मूथ हो गया, आप देख सकते हैं। अब एक बॉल में थोड़ा सा ऑयल डालकर डो को रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल डो के ऊपर भी लगाएंगे, ताकि ये ड्राई ना हो। और अब क्लिंग रैप लगाकर या किसी भी किचन टॉवल से या किसी ढक्कन से कवर करके रख देंगे प्रूफिंग के लिए। 1 घंटे के लिए रख देंगे, जब तक ये डो अपने साइज में डबल हो जाए। आप देख सकते हैं 40 टू 50 मिनट में ही मेरा डो अपने साइज में डबल हो गया है, क्योंकि गर्मियां हैं और इसे मैंने किचन में रखा था जहां सबसे ज़्यादा गर्मी है। तो डो बहुत ही अच्छे से राइज हो गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे पिज़्ज़ा क्रस्ट के लिए। अब इस डो से हम बनाएंगे होममेड परफेक्ट पिज़्ज़ा, जिसे देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।